Sri Nand Kumar Sai. Manani Upadhyaksha Mahoday. Main Samvidhan Anusuchit Jatiyan Adesh Sanshodhan Vidhyak 2014 par apne vichar rakhne ke liye aapke nirdesh se khada hua. Bahut sare vishay yahan par hamare mitron ne kaha hai. Main kuch mahatvapurn baaton ko yahan rakhna chahta hu. Hamare ek mitra ne kaha ki wo jo clerical mistake hai jatiyon par jo likha jata hai वो कुछ भी लिख देते हैं और वो ठीक है. अब संविधान में संशोधन या दोनों हाउस में फिर पारित होगा तब गड़बड़ी होगी. माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जातियों को लिखने वाले लोग पढ़े लिखे और अच्छे हों. हमारे हम जो मध्य प्रदेश में हमारी जनजातियां जो थी जिनको आरक्षण मिल रहा था छत्तीसगढ़ में आने के बाद वो लिखा पढ़ी में गड़बड़ हो गया है. वो 10-10 साल से घूम रहे और इसलिए लिखने में कोई गड़बड़ी ना हो एक और तरीका ढूंढिए. उसमें ये सारी गड़बड़ी अंग्रेजी के कारण होता है. एक खड़िया जाति हमारे यहां हुआ खड़िया को KHARIA लिख दिया जाए YA लिख दिया जाए तो ये खड़िया भी है खड़िया भी है. हिंदी में लिख दिया गया उसको खड़िया. 10 साल तक हम लड़ते रहे लटपट पिछले साल उसको ठीक किया. और इसलिए मेरा निवेदन है कि जातियों को आप जहां लिखें अंग्रेजी में आवश्यक है लिखना तो उसके बगल में हिंदी में भी लिखना सुनिश्चित करें ताकि ये गड़बड़ियां ना हो सके. लोकल भाषा जहां पर है वहां दोनों भाषा में आप लिखें. वेरी गुड सजेशन. और इसलिए इसके कारण बहुत गड़बड़ी हो रही है. केरला ऑल्सो वन कास्ट वाज लेफ्ट आउट. रीजनल रीजनल मैं वही कह रहा हूँ रीजनल लैंग्वेज में भी उसको लिखें और इसमें आदेश करें ताकि ये गड़बड़ी ना हो सके. वो दोनों जगह अनिवार्य कर दें कि रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी जहां जहां जो भाषा है उसके बगल में अंग्रेजी के साथ लिखे. नहीं तो ये अंग्रेजी में तो लिखते कुछ है और पढ़ते कुछ है. ये हमारा सारा अनुसूचित जाति और जनजातियों को चौपट कर दिया है. इसलिए दूसरा मुझे कहना है ये जो बोगस जाति प्रमाण पत्र माने गलत लोग हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं. हमारे यहाँ तो हजारों लोग आ गए जो आदिवासी नहीं है और आदिवासी का प्रमाण पत्र झूठा बना करके अब बड़े बड़े पदों पर हैं. और मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ी घटना शायद आप लोगों की जानकारी में है कि नहीं. मैं 11 साल से एक इलेक्शन पिटीशन लड़ रहा हूं. अभी तक निर्णय नहीं हुआ ये बोगस प्रमाण पत्र के खिलाफ. जिस जगह में मैं चुनाव लड़ा था वहां मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहां के सदस्य नहीं है. वो लड़ गए झूठे प्रमाण पत्र पर. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया है कि हाई पावर कमेटी इसकी जांच करके इसको निर्णय करेगी और वो अभी हाई कोर्ट में चल रहा है. वो हमारा पिटीशन भी चल रहा है. हाई पावर कमेटी ने लगभग तय कर दिया है कि इसकी जाति संदिग्ध है और लेकिन निर्णय नहीं हुआ. 11 साल हो गए और इसलिए मैं दोनों मंत्री हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा इसमें कोई ना कोई कठोर कानून बनाए ताकि इस तरह की स्थितियां ना हो. मैं 2 मिनट और समय लूंगा. अरे भाई सब लोग तो समय ले लिए. 2 मिनट मैं और देता हूं. जी बोलिए. डोंट वेस्ट टाइम. आप बोलिए. मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां इस सारी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कानून तो कठोर बने सामाजिक स्तर पर जो ये छुआछूत है ये इसको बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है. ये कहीं भी नहीं रहना चाहिए. अरे जिस देश में हम पूरे संसार को परिवार मानते अयं निजह परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधेव वही कुटुंबकम. वहां इस जाति को छोटा और इस जाति को बड़ा कैसे किया जा सकता है. हमारे भगवान का अवतार बराह में हुआ है जो सबसे छोटा और गलत माना जाता है. यहाँ कोई चिंतन में कोई विचार में नहीं होना चाहिए. ये छुआछूत का भावना समाप्त करके जिस तरह से विचार किया गया है ये देश आगे कैसे बढ़ेगा. इस महान राष्ट्र को इसको फिर से जगत गुरु अगर बनाना है तो ये समानता और एकता बंधुत्व का भाव को मजबूत करना पड़ेगा. आप हिला रहे सर इसलिए मेरे पास समय नहीं है. मैं इस पर बहुत अच्छा बोल सकता हूं और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कहीं भी छुआछूत की बात अब दिखना नहीं चाहिए. ये समाज में क्यों पैदा हुआ है कहां पर है इसको दूर करके एक अच्छा भाव पूरे देश में बने. और जिस तरह से सारा संसार का वातावरण एक तो बना हुआ है इस समय ये देश सबसे पूरा दुनिया इधर देख रहा है.
मानवता का मार्गदर्शन करने वाला दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं है, यही राष्ट्र है जहां से विश्व को मानवता का मार्ग दिखाया जा सकता है। और इसलिए मनु ने कहा था, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। मानवता की श्रेष्ठ विद्या को और गुण को बताने के लिए गंगा जमुना के किनारे पैदा होने वाले ऋषि पुत्रों, तुमको ही इस पूरे संसार में जाना पड़ेगा। हम छुआछूत में यहाँ पर भ्रमित हैं। जी जी गए हैं ना, और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम सब लोग भी मिले। ओके जी जी, गंगा जमुना कावेरी। ओके ठीक है, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती और नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओके, सारे गंगा जमुना के किनारे वाले। धन्यवाद। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग भी सामाजिक स्तर पर मुहिम चलाएं। अब हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं रहेगी, मानव जाति रहेगी और पूरे दुनिया को इसका पाठ भी पढ़ाएगी। इसी निवेदन के साथ, ये जो नकली जाति है उनको भी हटाओ और मजबूत कानून बनाओ। मैं राजा से सहमत हूँ, एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है, इस पर भी हमें आगे विचार करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी आपने मुझे कृपा पूर्वक समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इस बिल का विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।